ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माधुवासिनी। आज हम आप लोगों को पितृपक्ष के निमित्त एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाले हैं। यदि आप इस उपाय को पूरे पितृपक्ष करेंगे तो यकीन मानिए आपको अपने पितरों के निमित्त न तो कोई त्रिपिंडी करना पड़ेगा, न तो नारायण बलि करना पड़ेगा, न ही कोई अन्य उपाय करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार उपाय है और बहुत ही प्रभावी है। ये उपाय हमने कईयों के ऊपर करके इसका रिजल्ट भी देखा है और रिजल्ट भी बहुत ही सटीक मिला है। ये उपाय सिर्फ पितरों के लिए है, प्रेतों के लिए नहीं है। प्रेतों के लिए अलग कर्मकांड होता है, प्रेतों के लिए अलग तकनीक लगाई जाती है। ये उपाय सिर्फ पितरों के निमित्त है। अब प्रश्न होता है पितृ कौन? पितृ आपके घर के देवता हैं, पितृ आपके पूर्वज हैं और पितृ देवता स्वरूप में पूजते हैं और पितृ लोक में वास करते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होता है। जो सिर्फ पितृ पक्ष पे अपने घर आते हैं उन्हें पितृ कहते हैं और जो साल के 365 दिन आपके घर में रहे उन्हें प्रेत कहते हैं, क्योंकि पितरों के लिए शास्त्रों के अनुसार पितृलोक का निर्माण हुआ है और पितरों के राजा अयालमा है। पितृ सिर्फ पितृ पक्ष में अपने घर आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पितृ तुम्हारे दुष्ट हैं, पितृ तुम्हारे पीड़ित हैं, पितरों की समस्या है। ये पूरी तरीके से फर्जी और बकवास है। पितृ कभी आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकते, कुछ कंडीशन पे रुष्ट होंगे, क्योंकि पितृ आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, परदादा दादी हैं आपके पितृ। वो आपसे कब नाराज होंगे, आपके माता पिता आपसे कब नाराज होंगे, कुछ कंडीशन है। बलात्कार किसी का करेंगे, खून किसी का करेंगे, बहुत ज्यादा नशे में बेवड़ा बन जाएंगे, घर में धर्म का वास नहीं होगा, घर में एक दीपक नहीं जलेगा, इंटरकास्ट विवाह करने पे भी पितृ की रुष्टता देखी जाती है। लेकिन कब रुष्ट होते हैं पितृ? यदि आप चोरी करो, बलात्कार करो, रेप करो, ऐसा अनैतिक काम करो जिससे आपके माता पिता आपको दंड देने पे बाध्य हो जाए, यदि आप वो कार्य करते हैं तो आपके पितृ आपसे पीड़ित होते हैं, आपको कष्ट देते हैं, अन्यथा पितरों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है प्रेतों से, और आजकल प्रेतों को लेकर तंत्र को पाखंड बता दिया गया है। तंत्र को क्या बता दिया गया है? पाखंड, कि तंत्र होता नहीं। ये इस कारण बता दिया गया है कि अभी तक तंत्र है क्या इसके विषय में लोगों को सही ज्ञान नहीं है। कोई देवी की सेवा कर रहा है और चार लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो अपने आप को तांत्रिक कहलाने लगा। कोई बोल रहा है हनुमान की कृपा से पर्चा बन रहा है, अपने आप को तांत्रिक कहलाने लगा। इनको तंत्र का कभी नहीं बताया। कुछ एनर्जी के सहयोग से अपने आप को तंत्र या तांत्रिक या भगत कहने लगे हैं। ये तंत्र नहीं है। तंत्र मूलतः विज्ञान है। हमारा शरीर भी तंत्र क्रियाएं करता है, हमारे शरीर में तंत्र संरचनाएं हैं। जिस प्रकार एक ही इलाज को करने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक, बायोकेमिक, एलोपैथी, यूनानी पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से, आयुर्वेद के तरीके से आप किसी का इलाज कर सकते हैं। किसी के इलाज करने के लिए, बीमारी का भी इलाज करने के लिए 5-6 अलग अलग तरीके हैं। कोई होम्योपैथी से इलाज करता है, कोई बायोकेमिक से इलाज करता है, कोई एलोपैथी से इलाज करता है, कोई प्राकृतिक तरीके से इलाज करता है, कोई आयुर्वेद की शरण में लेकर इलाज करता है और कोई यूनानी पद्धति से भी इलाज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज संभव नहीं है। इलाज हो जाता है, पद्धतियां बदल जाती है। उसी प्रकार जो हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है, जो हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है कि कुछ विशेष सिद्धों ने, ऋषियों ने और भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कहे हैं, उद्दीश तंत्र में, रेणुका तंत्र में, कई सारे ऐसे तंत्र हैं जहां पे भगवान शिव और भगवान भैरव अपने मुख से कुछ मंत्र दिए हैं, जिन मंत्रों का उपयोग करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। निर्वाण तंत्र हो गया, पुराण तंत्र हो गया, रेणुका तंत्र हो गया, गुरु तंत्र हो गया, उद्दीश तंत्र हो गया, भूत डामर तंत्र हो गया,
ये सब जो तंत्र हैं अपने आप में प्रभावी हैं। तो पितृ आपके वो हैं जो पितृलोक में वास करते हैं, 15 दिन घर पे आते हैं, और प्रेत वो हैं जो आपके घर में 365 दिन एनर्जी के रूप में वास करते हैं। प्रेतों को मुक्ति दी जाती है और पितरों का पूजन किया जाता है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के आसपास में ये प्रेत हैं, पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन इनको पितरों का नाम दे के इनको स्थान दिलवा दिए, क्योंकि इनको तंत्र का ज्ञान था नहीं कि किस प्रकार इस एनर्जी को हटाया जा सकता है या इनका स्वरूप बदला जा सकता है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। तो जो प्रेत रूपी ऊर्जा है इनको कुछ विशेष ध्वनि से, उस विशेष मंत्रों से, उस विशेष क्रियाओं से इनके अंदर जो ऊर्जा है, नकारात्मकता है, जो मन बुद्धि अहंकार का खेल है, जो पाप है, उसको रूपांतरण किया जाता है तंत्र के माध्यम से, और फिर ये अपना स्वरूप बदलते हैं और पितृ के रूप में पितृलोक चले जाते हैं, और यहां से वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपकी हट जाती है। तो एक चीज समझना होगा, जो प्रेत हैं साल के 365 दिन है, आते हैं आपके घर में या खेलते हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ये प्रेत है, पितृ नहीं है, इनको बैठाया जाता है, इनका रूपांतरण किया जाता है, और जो पितृ हैं उनका पूजन किया जाता है। भूत प्रेतों के नाम पे काफी सारी चीजें पाखंड बताई गई है, हम तो खोजी हैं, तंत्र शास्त्र में कहीं पे भी चमत्कार का उल्लेख नहीं है। तंत्र शास्त्र के मंत्र तो बहुत बड़े हैं, 50-60% लोगों को तो मात्र दुर्गा सप्तशती के उस सिद्ध मंत्रों से ही उनकी ऊर्जा को हीलिंग करके, यज्ञ तप हवन करके, पूजन करके उनका इलाज संभव है और होता है, करते हैं लोग, और सामने वाले को लाभ भी होता है। तांत्रिक पद्धति तो बहुत अलग बात है। जब हमारे शास्त्रों में भगवान शिव स्वयं, शिव उवाच, भैरव उवाच, तंत्र में स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं भूत प्रेतों के विषय में, तो हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि कोई भी शिव से बड़ा नहीं है। और शिव और काली, गुरु गोरक्षनाथ, नाथ परंपरा में, दत्तात्रेय भगवान की परंपरा में, नाथ परंपराओं में गुरु गोरक्षनाथ और नाथों ने, सिद्धों ने हजारों लाखों मंत्रों की रचना की है, जहां पे भूत प्रेत झाड़ने का और कई अन्य प्रकार के सिद्धियों का मंत्र है। इसका मतलब है ये चीजें हैं, तब हमारे सिद्धों ने इनके मंत्र की रचना की। कुछ लोगों को पाखंड लगेगा, लेकिन हम गांव के रहने वाले व्यक्ति, खोजी व्यक्ति और टहलने वाले व्यक्ति, हमने कईयों को देखा कि सांप काट दिया है, बिच्छू काट दिया है, बिच्छू काट दिए, वो लोग मंत्र से इलाज किए और व्यक्ति जीवित है, और वो व्यक्ति जीवित है मंत्रों के माध्यम से, लेकिन वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग व्यवस्था है। अगर यही पे जैसे किसी को बिच्छी काट लिया, बिच्छू काट लिए, तो उसका डंक उसके अंदर रह जाता है और वो पीड़ा देता है। अब इसी को कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग झाड़ा लगाते हैं बिच्छू का, और किससे, ये जो तालाब में काली मिट्टी होती है उससे। अब एक ट्रिक हो या मंत्र का विज्ञान हो कि उस मिट्टी को बारीक करके झाड़ा लगाते हैं तो उसका बिच्छू का डंक निकल जाता होगा, आराम हो जाता होगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेड़ की पत्तियां हैं कि जिनको ऐसे रगड़ के रस कान में डाल दो तो बिच्छू का डंक तुरंत उतर जाता है। अब आजकल तो एक नई टेक्निक बिच्छू का मंत्र, बिच्छू का जो है पीड़ा निकालने के लिए किए हैं, बैटरी उल्टी करके लगा दो बैटरी। और यही चीज होम्योपैथी में अलग दवा है, यूनानी पद्धति में अलग है, एलोपैथी में अलग है, वहां चीरा मारना पड़ सकता है और यहां बिना चीरा मारे इलाज हो जाता है। मतलब कोई सही या गलत की बात नहीं है, बात यह है कि कौन से विषय में व्यक्ति को कितनी गहरी नॉलेज है। अब एक ट्रिक हो या कुछ हो, लेकिन लोगों को आराम मिल रहा है, लोगों को आराम मिल रहा है। हाँ,
शरीर तंत्र एक संरचना है, हमारा शरीर एक तंत्र संरचना है, इस पे असर मंत्रों का भी पड़ता है, इस पे असर तंत्रों का भी पड़ता है, इस पे असर यंत्रों का भी पड़ता है, इस पे असर बाहर से एनर्जी जो होती है उसका भी पड़ता है। गर्म हवा चल रही है तो उसका अभाव प्रभाव पड़ेगा, ठंडी हवा चल रही है तो हमारा शरीर को उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हमारा शरीर ऐसी तंत्र संरचना है कि जो अंदर है उसको भी वो महसूस करके उसके अनुसार काम करता है, जो बाहर की चीजें है उसको भी वो महसूस करता है और हमारे दिमाग को संकेत देता है। और यहां पे कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं तांत्रिक जिसे करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। हाँ, हो सकता है क्योंकि शरीर तंत्र संरचना है, मनुष्य का शरीर तंत्र संरचना है, बैक्टीरिया से भरा हुआ है, हमारा शरीर खुद इसमें अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया है, हमारा शरीर खुद रोगों का नाश करता है। अगर हम रोगी रहे तो हमारा शरीर एक हद तक बाहरी दबाव को झेल ले जाता है, रोगों का नाश कर देता है, लेकिन यहां पर जो ऊर्जाएं हैं वो शरीर को प्रभावित करती है। यदि कोई कहे देवी देवता आते हैं तो हम इसे पाखंड मानते हैं, देवी देवता ना आएंगे ना पर्चा बनाएंगे ना कुछ करेंगे, ये सारी चीजें उस अवस्था की है जहां पे यदि आप मेंटलिस्ट हैं तो आप किसी का भाव पढ़ रहे हैं और मास्टर हो गए तो भी आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई ब्रह्म का साधक है, पीर का साधक है और उस अवस्था में आ गया है साधना करके कि उसके अंदर भाव पैदा होते हैं तो वो भी कर सकता है। और कईयों को हमने ऐसे देखे हैं कि जहां पे उनके सामने कहते महाराज जी जो घटित हो रहा है चित्र आ जा रहा है, मैं साधना करता हूं। यहां बात उस साधना की नहीं है, यहां बात उनके अवचेतन मन की एक्टिविटी का है, वो एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से उनको दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एक्टिव हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का इस चीज के प्रति विश्वास प्रबल था, क्योंकि बिना क्रिया के कुछ होता नहीं, बिना क्रिया के कुछ होता नहीं। तो आए इस पितृपक्ष में जिन्हें भी अपने पितरों के निमित्त पिंडा पानी तर्पण कराना है, पितृ शांति का पाठ करवाना है वो करवा सकते हैं, और जिन्हें मुक्ति दिलाना है वो मुक्ति भी दिला सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे शास्त्रोक्त नियम है उनके अनुसार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पितृ होंगे आपके ऊपर प्रसन्न, कैसे सुनिए पूरा उपाय। आपको एक लोटा जल में एक चुटकी सिंदूर और काला तिल डाल के पितरों के निमित्त सूर्य नारायण को जल देना है सुबह उठ के। यदि आपके घर में नीम का पेड़ है तो एक लोटा जल नीम के पेड़ पे डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पास में शिव मंदिर है तो एक लोटा जल भगवान शिव को डालना है। पहला जल पितरों को, दूसरा जल शीतला को या शिव को, अगर शीतला या शिव का स्थान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लोटा जल लेके घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर के बगल एक लकड़ी का बाजोट रखिए जिसे बोलते हैं चौकी पीढ़ा, लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाइए अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि पितृ मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। वहां पे 1.25 मीटर सफेद कपड़ा और 1.25 मीटर की चुनरी अगर आती है, एक चुनरी दो अलग अलग स्थान पर रख दें, पगड़े का एक साफा रखें जो पगड़ी होती है बाजोट के ऊपर, और एक तरफ नारियल चुनरी 16 श्रृंगार रखें। जब भी आपके घर में सुबह या शाम पूरी साफ सफाई से भोजन बनवाएं, एक थाली में भोजन ला के रखें और उसी थाली में एक घी का दीपक और उसके चारों तरफ थोड़ा जल से घेराव कर दे, और बगल में एक बांस की लाठी रखी उसमें 7 बार सिंदूर लगा के अपने घर के देवी देवता का पूजन करने से पूर्व पुत्रों को पूजन करके, इस प्रकार सुबह शाम पूजन करके उसके उपरांत देवता का पूजन करके आप लोग अपना नित्य कर्म कर सकते हैं। और पितृ प्रसन्न रहते हैं जाने के बाद भी, यदि आपके घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, भागवत का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, रोज एक दीपक सुबह शाम जल रहा है या तो एक लोटा जल पितरों के निमित्त निकाल रहे हो, तो ऊपर पितृलोक से बैठ के आपके अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को पितृ देखते हैं।
यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, पितर आपके नाराज होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार पितरों का पूजन करेंगे रखे तो पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।